वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास सेवेंथ का थ्रू द एजेस है बुक का नाम और सेक्शन है ज्योग्राफी। ठीक है, क्या है सेक्शन? ज्योग्राफी है। चैप्टर नंबर है 1 अवर एनवायरमेंट। चलिए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूल जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा आर कंपोनेंट्स ऑफ, ये किस चीज के कंपोनेंट्स हैं? तो बात करें क्या फिजिकल एनवायरमेंट के हैं, मैन मेड एनवायरमेंट के, सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट के, या बायोलॉजिकल एनवायरमेंट के? तो राइट आंसर है बेटा मैन मेड एनवायरमेंट। नेक्स्ट, दिस टर्म डिस्क्राइब द पोर्शन वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ये टर्म डिस्क्राइब करता है कि कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसको क्या कहते हैं बेटा? एटमोस्फियर, बायोस्फियर, लिथोस्फियर या हाइड्रोस्फियर? राइट आंसर है बायोस्फियर कहा जाता है इसको बेटा। नेक्स्ट, ईच एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट, बोथ ऑफ दीज या अननेसेसरी? तो राइट आंसर बेटा इंटरडिपेंडेंट। क्या है वो? इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट क्या है सबसे ज्यादा भाई? ऑक्सीजन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है ना, अपने एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर है बेटा क्या? नाइट्रोजन। ठीक है, 70+ है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आने वाला है। चलिए स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट्स ऑलवेज रिमेन द सेम, कह रहा है कि जो नेचुरल होता है और ह्यूमन एनवायरमेंट्स होते हैं हमेशा सेम रहते हैं, बदलते नहीं है। ठीक है, तो दैट्स फॉल्स है ना, वो चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ट्रू है या फॉल्स है? तो इट्स ट्रू मैन। नेक्स्ट, द सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट इज द इमीडिएट सोसाइटी द इंडिविजुअल इज ए पार्ट ऑफ, यानी कि वो आपसे कह रहा है कि सोशल और कल्चरल एनवायरमेंट जो होता है इज द इमीडिएट सोसाइटी, इमीडिएट मतलब तुरंत उसके आसपास है ना सारी चीजें जो रही हैं। ठीक है, किसी इंडिविजुअल इज ए पार्ट ऑफ है ना, उसका पार्ट होता है। तो क्या ट्रू है या फॉल्स है? यस इट्स ट्रू। नेक्स्ट, द पडल इज एन इको सिस्टम, ट्रू ऑफ फॉल्स? पडल कहते हैं बेटा जैसे सड़कों के किनारे थोड़े गड्ढे हो जाते हैं, पानी वानी भर जाता है हल्का फुल्का उसमें, है ना, तो उसको पडल कहते हैं। ठीक है, या पूल कह सकते हैं, पॉन्ड है ना, हल्का सा पूल कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या एक इको सिस्टम है? यस इट्स ए इको सिस्टम। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, लिविंग थिंग्स कॉन्स्टेंटली फिल इन द ब्लैंक्स विद द एनवायरमेंट, लिविंग थिंग्स जो रहती हैं लगातार कंटिन्यूसली नहीं रहती हैं क्या एनवायरमेंट के साथ, किस तरह से? तो ये रहती है इंट्रैक्शन में रहती हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इज द कलेक्टिव मास ऑफ वाटर फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये कह रहा है ये जो चीज है जो यहाँ पे आने वाली है इज द कलेक्टिव मास, ये कलेक्टिव मास है वाटर का फाउंड ऑन द अर्थ, जो भी अर्थ पे पाया जाता है। तो राइट आंसर है बेटा हाइड्रोस्फियर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज बाय प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर फूड। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा मैन्युफैक्चर फूड बनाने में। राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेज। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेज। तो क्या नाम है इसका बेटा? ओजोन लेयर। क्या होती है हमारी? ओजोन लेयर। नेक्स्ट, एन इकोसिस्टम इज फिल इन द ब्लैंक्स यूनिट, कैसी यूनिट है बेटा? तो ये बायोस्फीयर यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं? चलिए जानते हैं, एनवायरनमेंट इज द इमीडिएट सराउंडिंग इन विच समथिंग लिव्स एंड एग्जिस्ट। एनवायरनमेंट जो है बेटा इमीडिएट तुरंत बाद वाली, तुरंत पास पड़ोस वाली क्या है? वो ऐसी सराउंडिंग है समथिंग जिसके आसपास की, जो कि जिसमें क्या होता है लिव्स एंड एग्जिस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं रहते हैं और ठीक है रह रहे हैं उसमें और एग्जिस्ट करते हैं हम लोग। चलिए, व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता जानते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट मींस द एग्जिस्टेंस व्हेन मैन इंटरफेस इन नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना। तो कह रहा है कि ये वो जगह है जहां पे मैन का इंटरफेस होता है, यानी आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है नेचुरल एनवायरनमेंट से। द टर्म ह्यूमन एनवायरनमेंट रिफर्स टू द फिजिकल, ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है कि फिजिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन विच द ह्यूमन बींग्स लिव एंड इंटरेक्ट। ठीक है, तो ये इन कंडीशंस की बात करता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात जब भी करती की जाती है। तो
इट इंक्लूड ह्यूमन मेड थिंग्स, इनमें इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स लाइक, जैसे कि सड़कें हो गई, बिल्डन रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, स्कूल, एक्वेरियम एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को आपको डिफाइन करना है, क्या है जानते हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। तो भाई नेचुरल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें आती हैं वो फिजिकल, बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स आते हैं, चीज़ें आती हैं ऑफ द अर्थ, अर्थ की, दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंस, है ना, और उसमें ह्यूमन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। नेक्स्ट, गिव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट ग्लोबली। वो कह रहा है कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो कि ये दिखा रहे हैं कि एनवायरनमेंट में ग्लोबली पूरे विश्व भर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तो जानते हैं बेटा, क्लाइमेट चेंज जो है, द अर्थ क्लाइमेट हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो हमारे अर्थ के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है। तो जो हमारा वेदर है उसमें बहुत सारी इवेंट्स ऐसी हो रही हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर चली जा रही, बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कम हो जा रही, सच है, जैसे कि हरिकेन्स, हीट वेव्स एंड फ्लड्स, मेल्टिंग ग्लेशियर एंड पोल आइस कैप्स एंड शिफ्टिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न, ठीक है। बारिश का होना, कहीं पर ज़्यादा हो जाना, कहीं पर कम हो जाना, ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे हैं, बाढ़ आ रही है, हीट वेव, गर्म लुए चल रही, हवाएं चल रही, हरिकेन आ रही, तो ये कुछ वेदर में बहुत ज़्यादा चेंजेज हो रहे हैं वेदर पैटर्न में। दीज चेंजेस आर प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, पर्टिकुलरली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और खासकर जो कि हम, है ना, गाड़ियों में इन सब चीज़ों में तेल जला रहे हैं, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटा जाना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रीज का बनना चलना उनका, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज़्यादा हो रहा है, उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेकेंड, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें, द वर्ल्ड इज करंटली फेसिंग एन अलार्मिंग रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन, ठीक है। अलार्मिंग मतलब अलार्म लगा हुआ है कि भाई बस करो, अब इस लिमिट से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। स्पीसीज एक्सटिंक्शन, स्पीसीज खत्म होती जा रही है, विद मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिसअपीयरिंग एट अनप्रेसिडेंटेड पेस, यानी कुछ तो ऐसी स्पीसीज हैं, है ना, हम उम्मीद कर रहे थे कि अगले 50 साल में जाके खत्म होंगी और अगले 5 साल में ही खत्म हुई, अनप्रेसिडेंटेड, है ना, हमने ये पिक भी नहीं किया था कि भाई ऐसा हो सकता है ना, सोचा भी नहीं था हमने। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, हैबिटेट का नुकसान होना, डिस्ट्रक्शन होना, पॉल्यूशन होना, इनवेसिव स्पीसीज का आना, क्लाइमेट चेंज होना, एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा दोहन करना, बहुत ज़्यादा यूज करना, सम ऑफ द मेन ड्राइवर्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस, इनकी वजह से कुछ बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, क्या होता है इकोसिस्टम जानते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। कह रहा है इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे से जो डिपेंडेंसी है इनकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमंस की, ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे, एज वेल एज ऑन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, साथ ही साथ उनके फिजिकल एनवायरनमेंट पे भी, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या है लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट, डिफाइन एटमोसफियर, एटमोसफियर को डिफाइन किए, वाई इट इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों है भाई ये इंपॉर्टेंट, चलिए जानते हैं। एटमोसफियर इज एन एनवलप ऑफ एयर, एटमोसफियर एक एयर का एनवलप है, कवर है, विच सराउंड्स अवर प्लैनेट, जो हमारे प्लैनेट को घेरे हुए है। इट कंप्राइजेज ऑफ 79% नाइट्रोजन, इसमें 79% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमोसफियर, एटमोसफियर की इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर वन, ऑल एनिमल एंड प्लांट नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सभी एनिमल को, प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए टू ब्रीथ, है ना। अब भाई देखो यहाँ पे एनिमल तो ठीक है, प्लांट्स को तो ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो लिखा है एनिमल, यहाँ पे प्लांट ना रख के, ठीक है, क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर लीजिए, प्लांट ना करके यहाँ पे ह्यूमन कर लिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा, ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाई हमने क्या पूछा था, हमने पूछा गया था डिफाइन एटमोसफियर, तो हमने एटमोसफियर डिफाइन किया, ठीक है। अब वो कह रहा है इंपॉर्टेंस क्या एटमोसफियर की, तो ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस, यहाँ पे प्लांट्स की जगह आप ह्यूमन कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे बेटा, ह्यूमन।
नीड ऑक्सीजन टू ब्रीद, ओजोन हेल्प टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेडिएशन। और कह रहा है कि ओजोन हेल्प करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है अर्थ को सन्स के हार्मफुल रेडिएशन से। नेक्स्ट, इट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज बाय प्लांट। तो कह रहा है कि इसके पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज बाय प्लांट, इसको प्लांट्स यूज करते हैं ना। देखिए वो प्लांट्स यहाँ पे जो वर्ड आ गया था, है ना, तो हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स को तो CO2 चाहिए, तो कहाँ से वहाँ हो सकता था। चलिए, प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, CO2 उनको चाहिए होता है क्योंकि खाना बनाते हैं, फूड प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जिसमें CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। इट कंटेन नाइट्रोजन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स बाय प्लांट। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन भी होती है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, मैन्युफैक्चरिंग फॉर ऑफ प्रोटीन, जिससे कि प्रोटीन बनाए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिथोस्फीयर, एक्सप्लेन। लिथोस्फीयर क्या होता है, इसको आप एक्सप्लेन करें। चलिए जानते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर जो है सबसे बाहर की आउटर लेयर है, सरफेस है अर्थ की। इट हैज वेरियस लैंड फॉर्म लाइक माउंटेन्स, और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, वैलीज। लिथोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोवाइड अस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें क्या क्या चीजें मिलती है। नंबर वन, फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए मिलते हैं, लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए रहने के लिए मिलते हैं, सोर्सेज ऑफ मिनरल वेल्थ ये भी हमको मिलते हैं वहां से। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन नंबर वन हाइड्रोस्फीयर, नंबर टू इकोसिस्टम। आपको शॉर्ट नोट लिखना हाइड्रोस्फीयर पे और इकोसिस्टम पे। चलिए जानते हैं, पहले बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। इट, इसको कैपिटल बनानेंगे, इट रिफर्स टू द कलेक्टिव मास ऑफ वाटर। ठीक है, इसको रिफर किया जाता है कि कलेक्टिव मास है वाटर का, दैट इज फाउंड अंडर, जो कि पाया जाता है अंडर में, ऑन ओवर द सरफेस, और चाहे अर्थ के ऊपर पाया जाए सरफेस के, चाहे नीचे पाया जाए, ऑफ द अर्थ। वाटर एग्जिस्ट इन ऑन दिस प्लेनेट इन द थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो कह रहा है पानी जो पाया जाता है हमारे इस प्लेनेट पे, वो तीन फॉर्म में पाया जाता है। आप वैसे भी जानते हैं मैटर की थ्री फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द अर्थ ओवरऑल सिस्टम, ये हमारी अर्थ का एक क्रिटिकल पार्ट है और ओवरऑल सिस्टम का जो पार्ट है, एंड प्लेज ए वाइटल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ, और इसके बिना लाइफ हमारी संभव नहीं है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है, एंड मेंटेनिंग वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेस, और इकोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करने में इस ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। द हाइड्रोस्फीयर नॉट ओनली सस्टेन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये केवल एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाली चीज़ों को ही सपोर्ट नहीं करता, एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर न्यूमरस प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स के लिए भी क्या करता है, एक हैबिटेट की तरह काम करता है, एंड एनिमल स्पीसीज, बट ऑल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न, ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न को भी ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हीट, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, है ना, ओशियन करंट वगैरह सुनेंगे आपने ना, एंड इन्फ्लुएंसिंग वेदर कंडीशन, और वेदर कंडीशन को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड देखते हैं, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, एंड इकोसिस्टम इज ए डायनामिक एंड इंटरकनेक्टेड कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम जो है बेटा एक डायनामिक है, है ना, मतलब मूव करता हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि स्टेशनरी, नहीं, डायनेमिक है, एंड इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ कम्युनिटी है इस टाइप की, है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें आते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा, एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट, उनका फिजिकल एनवायरमेंट आता है, इंक्लूड करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि एयर, वाटर, सॉयल एंड सनलाइट। इट रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरेक्शन, एक जाल रिप्रेजेंट करता है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, तिघड़न भरा जाल है, इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ये इन रिलेशनशिप है बिटवीन ऑर्गेनिज्म के बीच में, एंड देयर एनवायरमेंट, उनके एनवायरमेंट के बीच में, वेयर एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन का, एनर्जी का, इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है इस इकोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। इकोसिस्टम कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल स्केल, इकोसिस्टम इतना स्मॉल हो सकता है जैसे एक पॉन्ड, एक तालाब हो गया, और ए फॉरेस्ट, एक छोटा सा जंगल हो गया, टू लार्ज स्केल, और बड़े पैमाने पे हो सकता है जैसे कि डिजर्ट, पूरा का पूरा डेजर्ट हो गया, और पूरा का पूरा कोरल रीफ हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, एक्सप्लेन व्हाट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज, आपको बताना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है। चलिए जानते हैं, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज एनी चेंज और डिस्टर्बेंस टू द एनवायरमेंट विच इज अनडिजायरेबल, ऐसा कोई भी चेंज इस एनवायरमेंट में जो कि अनडिजायरेबल है, जिसको हम नहीं चाहते या जिसको नुकसान पहुंचाएगा, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कहलाता है।
इट रिड्यूसेस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है, कम करता है, और जनरल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है एनवायरमेंट की। इट रिफर्स टू द निगेटिव चेंजेस एंड इम्पैक्ट दैट अकर इन द एनवायरमेंट। ठीक है, और इसमें वो चीज़ें हैं, निगेटिव चेंज आ रहे हैं, वो इम्पैक्ट आ रहे हैं एनवायरमेंट में, लीडिंग टू डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ, एनवायरमेंट की हेल्थ डिक्रीज होती है, फंक्शनैलिटी कम होती है, एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ कम हो जाती है। नंबर फोर, देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्लूडिंग। बहुत सारे ऐसी फॉर्म्स हैं, फैक्टर्स हैं, जो कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हैबिटेट लॉस होना, आवास का खो जाना, एंड डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटा जाना, पोल्यूशन बढ़ जाना, क्लाइमेट चेंज होना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का होना। नेक्स्ट, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, क्या होता है इकोसिस्टम, व्हाई इज ए बैलेंस इंपॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, चलिए जानते हैं आंसर। एन इकोसिस्टम इज ए डायनामिक एंड इंटरकनेक्टेड कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा पिछले डेफिनेशन में भी पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच है इंटरकनेक्शन है। देयर फिजिकल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, सॉयल एंड सनलाइट। तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट, वेयर एनर्जी, न्यूट्रिशन एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो थ्रू वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेस। जहाँ पे न्यूट्रिशन, इन्फॉर्मेशन, एनर्जी वगैरह फ्लो करती है एक वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। अब बात कर रहे हैं कि भाई इकोसिस्टम एग्जैक्टली क्या, मतलब है ना, एक कॉमन सी डेफिनेशन बना लेते हैं। इकोसिस्टम मेंटेन इंपॉर्टेंट बैलेंस सो दैट ऑल ऑर्गेनिज्म विद इन द इकोसिस्टम कैन सर्वाइव। तो इकोसिस्टम मेंटेन करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेंस, सो दैट, ताकि ऑल द ऑर्गेनिज्म विद इन द इकोसिस्टम, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इकोसिस्टम के अंदर रह रही हैं, कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकें, जीवित रह सकें। दीज बैलेंस इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ फूड, यानी कि वो फूड वहाँ पे बना रहे, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस बनी रहे वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द प्लैनेट इन मैनी वेज। ह्यूमन एक्टिविटी प्लैनेट को अफेक्ट करती हैं बहुत सारे तरीकों से। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके समझाइए। चलिए, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को काटा जाना, डेवलपिंग लैंड, लैंड को डेवलप करना, बिल्डिंग मतलब कुछ बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, ग्रोइंग क्रॉप्स, पेड़ पौधे उगाना, है ना, फसल उगाना, सॉरी, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को जलाना, ईंधन को मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ जलाना, ओवर फिशिंग एंड ओवर हंटिंग, है ना, बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना, ओवर हंटिंग, ठीक है, शिकार करना बहुत ज़्यादा, हैव एडवर्सली अफेक्ट द एन इकोसिस्टम, मैनी इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत बुरी तरीके से इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड और पूरे विश्व में। ठीक, नंबर वन पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैन मेड थिंग्स लाइक इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स, टाउन अफेक्टेड द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इसमें कैसे होता है, क्लियरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को साफ करना, काट के ही साफ करेंगे आप डेफिनेटली, फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए, लॉगिंग के लिए, अर्बनाइज, शहरीकरण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, डिसरप्ट इकोसिस्टम, इससे हमारा इकोसिस्टम डिसरप्ट होता है, ख़राब होता है, एंड डिस्ट्रॉय हैबिटेट फॉर काउंटलेस प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, और इसकी वजह से बहुत सारे नंबर ऑफ, मतलब जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने प्लांट्स का, एनिमल्स का स्पीसीज खतरे में पड़ जाती है, इनका घर बर्बाद हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटी, डिफॉरेस्टेशन से अर्थ की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, किस बात की कैपेसिटी, टू एब्जॉर्ब CO2, ताकि वो CO2 एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, तो ये कम कर पाती है अगर ऐसा होता है तो, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफन रिलीज पोल्यूटेंट्स, इनसे पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं इनटू वाटर बॉडीज, पानी में, कंटेमिनेटिंग दैम विद केमिकल्स, पानी प्रदूषित हो जाता है जैसे केमिकल से, टॉक्सिन से, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की वजह से। दिस पॉल्यूशन हार्म एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी में रहने वाले वो जीव जंतु जो हैं उनका जो इकोसिस्टम है वो खराब होता है। रिड्यूस वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी खराब होती है, घट जाती है, एंड अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। डिपेंड ऑन दिस वाटर सोर्सेज, ठीक है, जो कि इस वाटर सोर्स पे डिपेंड थे। एयर पोल्यूशन की बात करें तो बेटा, एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस, व्हीकल एग्जॉस्ट एंड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो कह रहा है कि एमिशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलने वाले धुएं या लिक्विड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, व्हीकल एग्जॉस्ट हो सकते हैं, व्हीकल निकलने वाले धुएं,
बर्निंग फॉसिल फ्यूल ईंधन को आप जला रहे हैं, रिलीज हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स निकलते हैं इनटू एयर, एयर में मिलते हैं इंक्लूडिंग पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, सल्फर ऑक्साइड होती है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। एयर पोल्यूशन हैज डिटरमेंटल है ना डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, और एयर पोल्यूशन की वजह से डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं ह्यूमन बॉडी की, यानी बहुत ज़्यादा घातक हैं जो कि उसको डिटेरियोरेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं ह्यूमन हेल्थ को। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसकी वजह से हमें सांस से रिलेटेड बीमारी, कार्डियोवास्कुलर है ना हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, एंड हार्म्स इकोसिस्टम, इस तरह से हमारा इकोसिस्टम हार्म्स हो जाता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करें, क्या है भाई, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को सही तरीके से सही जगह डिस्पोज ना करना, वेस्ट रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड ऑफ पॉल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन एनवायरमेंट्स, इसकी वजह से टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ का जो एनवायरमेंट है और हमारा मैराइन एनवायरमेंट है दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, नुकसान होता है उसको। प्लास्टिक टेक ए लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड, प्लास्टिक को बहुत लंबा समय लगता है डिग्रेड होने में, एंड दे एक्यूमुलेट इन इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम में इकट्ठा होती रहती हैं, हार्मिंग मैराइन लाइफ थ्रू इंजेशन, और मैराइन लाइफ को क्या करती हैं ये हार्म करती हैं इंजेशन, वो उसको निगल जाती है मछलियाँ फिश वगैरह है ना माइक्रो लेवल पे प्लास्टिक होती है उसको निगल जाती है, खाती रहती है उनको, फिर हम खा लेते हैं, इंसान खाता है। एंटेंगलमेंट, ठीक है, तो ये उलझन हो जाती है, यहाँ पे चीज़ें उलझ जाती हैं कि भाई प्लास्टिक हमने भेजी फिर से हमारे पास आ रही है, ठीक है, जो प्लास्टिक कहीं ना कहीं हम ही को नुकसान पहुँचा रही है, हम ही को उलझा दे रही है। माइक्रो प्लास्टिक हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन वेरियस ऑर्गेनिज एंड इवन इन द फूड चैन, और माइक्रो प्लास्टिक बहुत सारी ऑर्गेनिज में पाई गई है और यहाँ तक कि हमारी फूड चैन में भी एंटर कर चुकी है आज की डेट में। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्ट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सब की वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्पीसीज विलुप्त होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। नेक्स्ट, दिस लॉस ऑफ स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी डिसरप्ट इकोसिस्टम फंक्शनिंग, इसकी वजह से हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी डिसरप्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है, इकोसिस्टम को ख़त्म कर रही है, उसके फंक्शन खत्म हो रहे हैं, ठीक है, फंक्शनिंग सही से नहीं हो पा रही, प्रॉपर नहीं हो पा रही, रिड्यूस रेजिलेंस टू एनवायरमेंटल चेंजेज, और इसकी वजह से रेजिलेंस जो है एनवायरमेंट चेंज के प्रति, यानी कि भाई जैसे हम अपनी बॉडी पर क्या करते हैं, कोई किसी ने हमें है ना एक क्या कहते हैं हिट किया हमको, तो हम रेजिस्ट करते हैं कि हमको चोट ना लगे, हमें बॉडी उसको सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी तो हम उसका रेजिस्टेंस नहीं कर पाएंगे, रेजिलियंस नहीं कर पाएंगे। एंड डिमिनिशिंग द सर्विस दैट इकोसिस्टम प्रोवाइड, और जो इकोसिस्टम हमें दे रहा था वो सर्विस में कहीं ना कहीं कमी आएगी, सच एज पोलिनेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ठीक है, पोलिनेशन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल गड़बड़ा जाएगी। लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन की बात करें तो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अनसस्टेनेबल जो बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवरग्रेजिंग हो रही है, लीड टू लैंड डिग्रेडेशन, लैंड खराब हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, दिस अफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी, इसकी वजह से हमारी सॉइल फर्टिलिटी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी घट रही है, एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डेजर्टिफिकेशन, और इसकी वजह से हमारा डेजर्टिफिकेशन हो रहा है चीज़ों का और लैंड का भी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा, क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, अगर हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूल जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में यही बताइए किस वीडियो का सॉल्यूशन आप चाहते हैं, किस चैप्टर का, किस बुक का आप चाहते हैं, है ना, तो हम वो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं, तब तक के लिए लेते हैं, बाय बाय।